नमस्कार। जन सरोकार मंच जो तो पिछले 4-5 सालों से आपकी सेवा में है और मुझे इस मंच के माध्यम से और इस मंच को आपके माध्यम से बहुत लाड़ दुलार भी मिला है। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल हमने रखा है आज के सवाल। और इस आज के सवाल में हम श्रृंखला को ये रूप देना चाहते हैं कि जो हमारे राजस्थान से या राजस्थान के बाहर देश के जो चिंतक और विचारक हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने व्यक्तित्व को गढ़ा है और अपनी विचारधारा को सबसे साझा करते रहे हैं, उसमें एक नाम है अशोक आत्रे जी। अशोक आत्रे जी जो है कई विधाओं में अपना सशक्त हस्ताक्षर लिए अपने झोले में चलते हैं। ये भी बड़ा यायावर किस्म का आदमी है लेकिन चिंतक बहुत अच्छा है। तो मेरा आज का आग्रह ये है कि मैं अशोक आत्रे जी से ये निवेदन करूं कि बेबाक होकर अपनी बात कहें। और इन्होंने जो विषय चयन किया है वो है आज के परिवेश में अपने देश में ही नहीं विश्व स्तर पर भी धर्म और राजनीति को लेकर बड़ी गर्माहट है। तो अशोक जी ने कहा कि क्यों नहीं इस पर ही बातचीत की जाए और खुल के की। तो बातचीत के लिए हमारी सहमति इनके संग थी और प्रसन्नता भी व्यक्त की हमने। अब विचार ये क्या देते हैं इसके लिए अशोक जी अपनी बात कहेंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ अशोक आत्रे जी से कि अपनी बात श्रोताओं के सामने रखें। और आग्रह ये भी है कि हमारे जो प्रबुद्ध श्रोता हैं, विचारक हैं, वो अपने कमेंट्स भी हमें दें तो हम ज़्यादा उत्साही और अनुग्रहित महसूस करेंगे। धन्यवाद भाई अशोक जी। अशोक सक्सेना जन सरोकार मंच देवेंद्र, मेरे मित्र और सभी जो मेरे साथी मित्र जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं सभी को मेरा अभिवादन नमस्कार प्रणाम। और चूंकि बात बुनियादी रूप से धर्म और राजनीति से जुड़ी है और ये आज न केवल मुझे व्यक्तिगत रूप से सामाजिक स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो विषय है वो आज लगभग सभी स्तरों पर इस पर विचार किया जा रहा है और ग्लोबली चाहे कि सभी चैलेंजेस के साथ धर्म और राजनीति भी एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर विचार किए बिना हम आगे पीछे आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि धर्म जिस तरह से हमारी आत्मा से, हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार हमारे सभी कार्यकलापों से, हमारे सभी वैचारिक जो आग्रह दुराग्रह हैं, हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे विचार हैं, उनसे भी धर्म किसी न किसी रूप में जुड़ा है। और निश्चित रूप से इसके लिए ये जरूरी है कि हम धर्म की वह परंपरागत और रूढ़िवादी व्याख्या नहीं करें जो कि सदियों से, शताब्दियों से और एक तरह से मानव व्यवहार का एक ऐसा अंग बन गई है जिसमें ऐसी बहुत सारी बातें जो विरोधाभास से भरी हुई हैं और जो कहीं ना कहीं अमानवीय स्तर पर भी बहुत आगे चली गई। तो निश्चित रूप से धर्म की वह मूल जो अवस्था है, जो प्रारंभिक जो रूपरेखा है, वो चाहे अच्छी या बुरी कैसी भी हो, हमें रैशनली आज उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। और यह देखना जरूरी है कि आज के मूल्यों में, आज के ग्लोबल वैल्यूज़ के साथ में धर्म का किस प्रकार से, धर्म का जो संबंध है वो हमारे किस तरह से हम उसको व्यावहारिक रूप से हम अपने जीवन का एक ऐसा अंग बना सकते हैं जो कि हमारे मानव हितकारी हो, मानव के हित में, मानव मूल्यों से जुड़ा हो और किसी भी स्तर पर मानव मूल्यों या वैचारिक स्तर पर या पर्यावरणीय स्तर पर पूरे ग्लोबल लेवल पर किसी प्रकार से एक विघटनकारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने वाला नहीं हो। ये छोटी सी बात है और ये बात
इसलिए भी जरूरी है कि न तो मैं एक पुजारी या पंडे के रूप में या किसी प्रवक्ता के रूप में या धर्म के किसी वैचारिक स्थापना या मूल्यों से जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति हूँ जो जिसे किसी भी स्तर पर विशेषज्ञ कहा जा सकता है। मैं एक सामान्य एक ऐसा आदमी हूँ, चलता फिरता आदमी हूँ, जिसने अब तक अपने जीवन में जो नाउ आई एम 78, तो मैंने जीवन के विभिन्न स्तरों पर राइट फ्रॉम माई बर्थ अपने जन्म से लेकर के आज तक मैंने धर्म और राजनीति के विभिन्न स्वरूपों को देखा है, जिया है, और विमर्श किसी न किसी रूप में, चाहे वो रचनात्मक विमर्श, कहानी, कविता, शिल्प, नाटक, फिल्म, किसी भी रूप में हो, उसको मैंने किसी न किसी रूप में एक रूपांतरित स्तर पर उसको जिया है, उस पर लिखा है, उस पर चर्चा की है, और एक भागीदारी किसी न किसी रूप में मैंने निभाई है। किंतु एक मूल प्रश्न इसके साथ ये जुड़ जाता है कि धर्म से जो निकटतम संबंध है वो आखिर किसका है? मनुष्य का तो है, किंतु मनुष्य और धर्म को जोड़ने वाली जो निकटतम परिस्थितियां हैं, निकटतम जो स्थितियां हैं, निकटतम जो सरणियां हैं या सीढ़ियां हैं, वो आखिरकार कौन सी हैं? और मुझे लगता है कि शायद मानव मूल्यों के साथ साथ राजनीति भी धर्म का एक अंग बन गई है, बन चुकी है, बन रही है, और कभी रही ही होगी निश्चित रूप। मैं मानता हूँ कि जब से मनुष्य की सभ्यता शुरू हुई, जब से मनुष्य में बुद्धि का विकास हुआ, आदिम अवस्था से जब मनुष्य आगे बढ़ा और विविध प्रकार की सामाजिक, ज्योग्राफिक, भौगोलिक परिस्थितियों से मनुष्य का आमना सामना हुआ, और विभिन्न सभ्यताओं ने ग्लोबली अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में विकास किया, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि धर्म की या सामाजिक व्यवस्था की या विभिन्न जातियों की, वर्णों की, लोक व्यवहारों की, लोक मान्यताओं की ऐसी हजारों जो है वो कहना चाहिए प्रणालियाँ विकसित हुई, जिसमें हमने धर्म को या जीवन को या मानव जीवन को अलग अलग तरह से जिया, देखा, समझा, सोचा और उस पर विचार किया। और इन्हीं विचारों के अंतर्गत, इन्हीं विचारों के विमर्श के स्तर पर, इन्हीं विचारों के आपसी संबंधों के और तालमेल की वजह से धर्म में ऐसी बहुत सारी बदलाव की स्थितियाँ पैदा होगी, चाहे उनको कुरीति कहें, चाहे उनको विकास की बात कहें, चाहे किसी कुछ भी कहें, चाहे विरोधाभास की बात कहें, उनमें ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं पैदा हुई जिन्हें हम विरोधाभास भी कह सकते हैं, जिन्हें हम मानवीय मूल्यों के विरुद्ध भी कहा जा सकता है। जैसे आज की तारीख में हम लोग सभी जानते हैं आतंकवाद एक नया शब्द पैदा हुआ है, और आतंकवाद एक ग्लोबली एक बड़ा थ्रेट बन गया है। आज न केवल आतंकवाद की चर्चा हमारे लोकल समाज में, हमारे घर परिवार के आसपास के समाज में हो रही है, न केवल हमारे प्रांत मोहल्ले में हो रही है, बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और पूरा ग्लोबली स्तर पर आतंकवाद एक हमारी चर्चा का और हमारे विचारों का एक आवश्यक अंग बन गया है, और इसे किसी न किसी रूप में दुर्भाग्य से धर्म से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो आज के लिए, चाहे वो ग्लोबली चैलेंज है थ्रेट हो, चाहे वो एक्सेप्टेड है या नहीं है, किंतु ये सबसे बड़ा थ्रेट है कि आतंकवाद या धर्म विरोधी जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं या परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं, उनमें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्तर पर राजनीति का भी कोई न कोई स्वरूप सामने आता है। ऐसी स्थिति में हमें देखना है कि वो क्या स्वरूप है राजनीति का, जो एक स्तर पर जहाँ रैशनलिटी से शुरू हुआ वहाँ इरेशनल हो गया, और इरेशनल होने के बाद वो एक आतंकवादी स्तर पर हमारे सामने चुनौती के रूप में आगे खड़ा हो गया, और जिसका सामना करने के लिए ग्लोबली एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, और सभी राष्ट्रों को किसी न किसी रूप में इसका सामना करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि हम अपने को शांति से, अपनी कर्तव्यपरायणता से मानव सेवा के लिए लगातार काम कर सकें, प्रतिबद्ध होकर के राजनीति को मानव उपयोगी बना सकें, सामाजिक प्रतिबद्धताओं से जुड़ करके नव मूल्यों का सृजन कर सकें, इसके विरुद्ध जो थ्रेट आतंकवाद का थ्रेट है उसके बारे में भी आज सोचना बहुत जरूरी है। पहले मैं अपने ही बचपन की ओर चलता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में सबसे अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और मेरी स्मृतियों के साथ चलने वाली जो मेरी जो यात्रा है वो शायद बचपन से ही शुरू होती है, और बचपन से 55 तक और 55 से 78 तक की जो यात्रा है उसका मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त जो आपके साथ रूपरेखा है उसको मैं इसलिए प्रस्तुत करना चाहूँगा कि मेरे जैसे अन्य बहुत सारे लोगों का भी जीवन किसी न किसी रूप में धर्म से प्रभावित है, राजनीति से प्रभावित है,
और बचपन को, युवावस्था को और आज की स्थिति को हम उससे अलग नहीं कर सकते। तो लेट मी स्टार्ट दिस राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, राइट फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड। मुझे अपनी बचपन की उन स्मृतियों की तरफ जाना चाहिए, लौटना चाहिए, जो शायद हो सकता है कि मेरे इस विश्लेषण के लिए धर्म राजनीति के जो समीकरण हैं, संबंध हैं, उनको समझने के लिए शायद जरूरी है। तो आपसे मैं बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जीवन में जो अपना बचपन किया बहुत ही अच्छी तरीके से, शांति से और बहुत ही कहना थी मज़ेदारी से, खेलते कूदते कूदते हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिया। और मुझे बचपन में ऐसा कभी कुछ ऐसी बात नहीं हुई जिससे मुझे बहुत कोई दुख हुआ हो या पीड़ा हुई हो, किसी प्रकार से मुझे कोई परेशानी हुई। ये जरूर है कि मैं जब 2.5-3 साल का था उस समय मेरी माँ गुजर गई थी और मुझे मेरे नानी और मामा ने पाला परोसा बड़ा किया। किंतु ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उस समय मैंने जिस परिवार में जन्म लिया, जन्म जरा मेरा जहाँ हुआ वो एक वैष्णव परिवार में हुआ। मेरी जो नानी थी या मेरी माँ की जो माँ थी वो वैष्णव परिवार से संबंध रखती थी और वो एक बहुत ही कहना थी, मैं ये तो नहीं कहता कि गरीबी की स्थिति में रहती, किंतु वो एक ऐसी स्थिति में रहती थी जो बहुत अधिक संपन्नता की स्थिति नहीं थी। और एक अध्यापिका थी, वो एक विडो अध्यापिका थी और उन्होंने मेरे 7 भाइयों 7 बहनों को पाल पोष के बड़ा किया। तो मैं भी अपने नानी के घर में ही पैदा हुआ। मेरी माँ ने मुझे लगभग 2.5-3 फिट की एक कोठरी में, अंधेरी कोठरी में मेरा जन्म हुआ और छोटी सी बरसाल थी जो कि 8x10 की छोटी सी बरसाल ही थी, वहाँ तक मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी सीमाएँ थी। और शायद उससे बाहर जो गोस्वामी चौक था, चौक था और जो मोहल्ला था, वहाँ तक जाने में मुझे शायद निश्चित रूप से 5-6 साल लग गए होंगे, या वो सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में अभी स्पष्ट नहीं है। किंतु मैं जरूर जानता हूँ कि बचपन मेरा बहुत अच्छी तरह बीता और कुछ वैष्णव संस्कारों के साथ साथ में मुझमें शाक्त जो परंपरा थी धर्म की, वो भी इसलिए आ गई धीरे धीरे क्योंकि मैं जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस अपने पिता और पिता मह के परिवार में बड़ा हुआ, वो परिवार शाक्त परिवार था और बीकानेर के राजगुरु परिवार से मैं जुड़ा रहा। राजगुरु बीकानेर के राजगुरु थे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और उस परिवार में शाक्त परंपरा थी और शाक्त परंपरा में बहुत विधिवत एक संपन्न तरीके से राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती थी। उसके प्रति आस्था के साथ में हमारे सभी परिवार के लोग जुड़े थे, कुटुंबी जुड़े थे और पूरे बीकानेर समाज के को नेतृत्व करने के लिए राजसी पर, राजसी जो हमारी धरा कहना थी, राजसी जो धरोहर थी वो शाक्त परिवार से जुड़ी थी, क्योंकि बीकानेर का जो शाक्त परिवार था महाराजा गंगा सिंह जी के समय जो स्थिति थी वो शाक्त परिवारों से जुड़ी थी। करणी माता भी वहाँ की जो है देशनोक की करणी माता राज परिवार की देवी है और इस तरह से शाक्त परिवार से भी मेरा संबंध हुआ। और इस तरह से तंत्र परिवार और दूसरी तरफ से वैष्णव परिवार, इन दोनों के बीच में मेरा विकास हुआ। और ये कहना नहीं चाहिए कि इन दोनों में कहीं किसी प्रकार का विरोधाभास है या कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किंतु वैचारिक स्तर पर इन दोनों परंपराओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के अलगाव की स्थितियाँ हैं, जो बाद में लेटर ऑन मैं मानता हूँ कि जगत गुरु शंकराचार्य ने सभी धर्मों में, सभी जातियों में, सभी लोगों को एकीकृत करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और उस समय जब बौद्ध, जैन या दूसरे धर्मावलंबी एक तरह से हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के विरुद्ध एक तरह का आंदोलन चल रहा, उस समय जगत गुरु शंकराचार्य ने जो वापस धर्म की पुनर्स्थापना की, उसमें सनातन धर्म को वापस प्रतिष्ठित किया। तो मैं ये मानता हूँ कि वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई और किसी प्रकार की भी मुस्लिम या कोई भी और प्रणाली हो, इन सभी धर्मों के एकीकरण के साथ में आगे बढ़ने की जो मानसिकता थी उस मानसिकता से मैंने जीवन को समझना, जीवन जीना और उसके साथ कुछ विचारिक जो मेरी मूल्य मान्यता था उनका विकास हुआ। और ये सारी बातें धीरे धीरे मेरे रचनात्मक जीवन का अंग बन गई। और इसका स्पष्ट कारण, एक साफ संकेत मुझे यह भी मिला कि जब बीकानेर रियासत का विलयन हो गया और जब राजस्थान में सभी स्टेट्स मर्जर हो गए आज़ादी के बाद,
तो 47 के आसपास मेरा परिवार, विशेष रूप मेरे पिता बीकानेर से जयपुर आ गए, और जयपुर आने के बाद मैं सभी प्रकार से एक तरह से एक ग्लोबल, मैं ग्लोबल तो नहीं कहता कि एक स्टेट लेवल पर एक बहुत अलग तरह का समाज हमको देखने को मिला, जीने को मिला, सीखने समझने को मिला। और जिस जगह हम गांधीनगर में जहां आकर के बाद में सेटल हो गए, उसमें सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के, सभी जातियों के लोग शामिल हुए, और उस प्रकार के समाज में जो मेरा विकास हुआ वो बीकानेर के एक आइसोलेटेड फॉर्मेट में जो हमारा विकास हो रहा था, जिसमें निश्चित रूप से कुछ खास वर्णों और कुछ खास जातियों तक ही हमारी सीमा थी, उससे और वाइडर तरीके से हम लोगों का संपर्क धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, और बड़े बदलाव के रूप में हमने उसको जिया, उस सत्य को, और उस सारे संक्रमण को एक बड़े सत्य के रूप में उसका साक्षात्कार करते हुए, उनको आत्मसात करते हुए हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाने में हमने ये कोशिश की कि हम जीवन को एक इस तरह के फॉर्मेट में लाएं, इस तरह के फॉर्मेट में ढालें जिसमें सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी प्रकार के लोगों को एक साथ मिलजुल करके बैठने का एक मौका मिले। और यह अवसर हमें आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद, राजस्थान के एकीकरण के बाद मिला। मैं ये तो नहीं कहता कि बीकानेर के रियासती काल में हम लोग इस प्रकार के किसी स्वतंत्र चिंतन की तरफ नहीं बढ़े थे, किंतु ये निश्चित रूप से हमें मानना चाहिए कि राजाओं का जो समय था, जो नरेशों का जो समय था, निश्चित रूप से एक खास प्रकार के, उस जमाने में जो जैसी जातियाँ और जैसे वर्ण या जैसे वर्ग के लोग, उन्हीं को प्रोटेक्शन करने के लिए प्रतिबद्ध लोगों का ही समाज था। जैसे उदाहरण के लिए यदि जोधपुर की, बीकानेर की और उसी रियासतों की बातें करें, तो समय जो जैसे नरेश थे या जिस तरह के धर्म का पालन करते थे, उसी प्रकार के सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप सामने उभर के सामने आता था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि धर्म और राजनीति या शासन व्यवस्था या अनुशासन व्यवस्था या सामाजिक व्यवहार या मान्यताओं का जो भी विकास होता है या एकीकरण होता है, ध्रुवीकरण होता है, उसमें राजनीति या राष्ट्र नीति या रियासती नीति या प्रदेश नीति या जो कि पॉलिटिकल तरीके से आज़ादी के बाद की जो राजनीति बनी, जिसमें जनतंत्र के जीवन मूल्यों का विकास हुआ, उन जीवन मूल्यों को हमने बनते हुए बिगड़ते हुए देखा, और उन मूल्यों के साथ में हमने अपने वैचारिक, हमारी पृष्ठभूमि का विकास हुआ, हमने कला, साहित्य, संगीत, नाटक और पत्रकारिता, इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रयोग किए, अलग अलग तरह से लेखन का कार्य किया, अलग अलग तरह के लोगों से मिले, और इस प्रकार एक सार्वभौमिक स्वरूप धर्म और राजनीति का हमारे सामने आया, जिसमें किसी प्रकार से विभाजन की, किसी प्रकार से विखंडन की, किसी प्रकार के कहना चाहिए अमूल्यन की, किसी प्रकार की और ऐसी अमानवीय विघटित शक्तियों का कोई कहीं किसी प्रकार का हमने उनको नहीं देखा, तो आज सबसे बड़ी थ्रेट बनी हुई है विशेष रूप से आतंकवाद के संदर्भ में। तो मैं ये चाहूँगा और आपकी सहमति के साथ जी कि आपके सारे उद्बोधन, आपके सारे विचार और अन्य विषयों पर भी लगातार इसको एक श्रृंखला के रूप में हर रविवार को प्रातः 11 बजे जो भी लोग विचारधाराओं से जुड़े हैं, चाहे वो सहमत हैं या नहीं हैं, लेकिन वो आपको सुने और अपनी बात कहें। चलिए मैं एक अंत में कविता सुना देता हूँ छोटी सी। प्रकाश परिमल मेरे बड़े भाई हैं, जिनकी मुझे स्मृति याद आ गई और कविता सुना रहा हूँ। दधीची की अस्थि चरम मेरी वैयक्तिक इति, दधीची की अस्थि चरम मेरी वैयक्तिक इति, किंतु यह क्षायित पिंजर अंधकार पर कैसे डालूं, किंतु यह क्षायित पिंजर अंधकार पर कैसे डालूं, ताजमहल के श्वेत वर्ण पर कीच उठा लूं, ताजमहल के श्वेत वर्ण पर कीच उठा लूं, इसीलिए यह अचकिंचितता में सारा युग संभावन की वर्षाली भी लांग न पाया, इसीलिए यह अचकिंचितता में सारा युग संभावन की वर्षाली भी लांग न पाया, अपने ओछेपन के भय से। तो इसी ओछेपन के भय से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये भय एक चुनौती है, या न केवल भय है कि चुनौती है, और इस चुनौती को हम सब स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं।
सुंदर रचना के प्रति, सुंदर रचना के प्रति आभार आपका जी। मैं तो लाभान्वित हो ही रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि अपने जो प्रबुद्ध श्रोता हैं वो भी आनंदित तो होंगे। और इतना ही फिर, लेकिन इसी आश्वासन के साथ कि हम हर रविवार को प्रातः 11 बजे भाई अशोक आत्रे जी के साथ होंगे और उनकी विभिन्न स्तरों पर जो वैचारिक स्थिति रही है, जो उनके विचार हैं, उससे हम रूबरू होते रहेंगे। It's my pleasure.